हेलो गाइस, मेरा नाम है हैदर अली। आज मैं आपके सामने इस जानवर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसका नाम है एक्सोलोटलस। ये जानवर मैक्सिकन समंदर में से निकाला गया है। ये इस जानवर को आप छिपकली भी कह सकते हैं और मछली भी कह सकते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब जानवर है। आज मैं इस जानवर के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। व्यूअर्स, ये जानवर जो है ये वुल्वरीन की तरह अपने आप को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। इसकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, जैसा कि एक्समैन सीरीज में देखा था। नाज़रीन, इस जानवर की इसके अलावा स्माइल बड़ी प्यारी है। ये ऐसे लगता है जैसे कि स्माइल कर रहा है, और इसने इसी वजह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इसी वजह से हमने इसको अपने इस फर्स्ट वीडियो में इसको ऐड किया है। इस पे लेबॉरेटरी में बहुत ज़्यादा तजर्बे किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट इस पे हुए हुए हैं, और साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर इसमें एक आयोडीन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे वो बड़े ही अजीब थे। मतलब ये जानवर तब अपने गिल छोड़ दिए और इसने छिपकली की शक्ल में ज़मीन पर चलने वाला जानवर बन गया, जो कि पूरी दुनिया को इसने हैरान किया हुआ है। और इसके बाद इसका जो है सर हेड ट्रांसप्लांट किया गया था। मतलब इसके एक जानवर को दूसरा सर लगा दिया गया था। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। और जो दूसरा सर है, इसने उसी सर के साथ जिंदा रहा है। इसने उसी सर के साथ अपना खाना खाया, पिया, जिंदा रहा, और इसने 36 दिन तक उसी सर को इस्तेमाल किया। और बाद में हमने उसी सर को यूज़ करके साइंटिस्ट ने ये है ह्यूमन हेयर ट्रांसप्लांट का काम किया। इस बात को उन्होंने, ये कुछ झूठी खबर नहीं है, मैं अपने पास से कोई खबर नहीं सुना रहा, इस बात की तस्दीक एक अखबार में भी हुई है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, अमेरिकन अखबार है वो। ये जानवर की जो मुकम्मल एक्सपेरिमेंट के दौरान इस पे जिस तरह से तजर्बे हुए, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी आप फोटो में देख सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह से ठीक होता है। व्यूअर्स, जब इसका कोई हाथ कट जाता है तो इसके जो टिश्यूज होते हैं वो रीबॉर्न होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि इसकी हीलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है। इसीलिए ये दोबारा से उसी हाथ को उगाना शुरू कर देता है, और यहाँ तक कि इसकी हड्डियाँ भी दोबारा बन जाती हैं, और ये जानवर पहले की जैसे अपना हाथ बना लेता है। तो ये थी जानवर के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।